ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 19 सितंबर की ईश्वरीय वरदान की रिकॉर्डिंग, जहां परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से अपने रॉयल बर्ताव को या एक उच्च बर्ताव को हम ना छोड़ें, बिकॉज उस पर डिपेंड करते हैं हमारी सोच, हमारे कर्म, हम कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे हम बाकी चीज़ें करते हैं और हम सोचते कैसे हैं। तो हमारी सोच से ही पता चलता है कि हमारी को कितनी रिस्पेक्ट मिलने वाली है, और हमारे एक्शन से पता चलता है कि लोग हमें किस तरीके से देखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक रिस्पेक्टफुल जीवन जिएं, तो ये वरदान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी बाबा। अब ये ब्राह्मण शब्द जो आ रहा है, ये स्पेशली ब्रह्म कुमारी से रिलेटेड है। एंड ब्राह्मण तो देखा जाए तो, अगर मैं कहूँ आपको डायरेक्टली, तो आप भी एक ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब एडम के बच्चे और बच्चियाँ, तो आप भी ब्राह्मण हैं। लेकिन हाँ, आप कितना फॉलो करते हैं, कितना नहीं फॉलो करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने सच्चे फॉलो कर रहे हैं एडम को या आदम को, जो कि परमात्मा की पहली रचना थी, प्योर रचना। तो यहीं से बात आ जाती है प्योरिटी की। तो रॉयल्टी के साथ में प्योरिटी होती है, और प्योरिटी में ही रॉयल्टी होती है। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे किसी का जन्म राय परिवार में हो, एक रॉयल परिवार में, तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ। उनको ऑटोमेटिकली याद आता है, कहीं भी जाते हैं, कहीं उनको बुलाया जाता है, कहीं से इन्विटेशन में जाते हैं, या कुछ लोग उनको मिलने के लिए आते हैं, उनको पता होता है कि हाँ, मुझे इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से बात करना है, इस तरीके से उठना है, इस तरीके से बैठना। उनकी तो ट्रेनिंग भी होती है बचपन से। तो यहाँ ब्रह्म कुमारी भी हमारी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है कि तुम्हारा उठना, बैठना, खाना पीना, बोलना कैसे है। एक तरीके से देखा जाए ये प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। मतलब यहाँ पे प्रिंस प्रिंसेस बनना कैसे है, पोशाक से नहीं, अंदर के प्रिंस प्रिंसेस। पोशाक तो आप पहन सकते हो अच्छी, लेकिन अंदर से कुछ और भी हो सकते हो। तो ब्राह्मण मतलब साधारण रहते हुए भी रॉयल बिहेवियर में कैसे रहें। तो वैसे परमात्मा कहते हैं कि मैं राजकुमार राजकुमारी हूँ, उनको याद रहता है। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, सिंपल सा काम कर रहे हो, उठना बैठना, लोगों को मिलना कर रहे हो, साधारण काम हो भी हो, जो कि एक नॉर्मल इंसान भी करता है, लेकिन जन्म की विशेषता को नहीं भूलते कि हाँ, मुझे इस स्टेज पर लोग देख रहे हैं, मुझे लोग परख रहे हैं, और मुझे हो सकता है कुछ लोग कॉपी भी करना चाहें। तो मुझे बिहेव कैसे करना है, मुझे जेस्चर्स कैसे करना है, मुझे कि अपनी आँखों से देखना कैसे है, मुँह से बोलना कैसे है, हाथ पैर कैसे हिलाने, सब चीज़ की ट्रेनिंग होती है। खाना कैसे खाना है, प्लेट कहाँ पे होती है, चम्मच कहाँ, क्योंकि इतनी इतनी बहुत कटलरी की भी उनकी ट्रेनिंग होती है खाने पाने की, और नैपकिन कहाँ रखना, उठना बैठना कैसे, चेयर को हटाना कैसे, चेयर को वापस कैसे रखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आती हैं। पहले कौन उठेगा, बाद में कौन उठेगा, ये तो बहुत बात की बात होगी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए, हमारे बोल चाल कैसे होना चाहिए। परमात्मा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे सेम इसी तरीके से ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। अब ये ब्राह्मण एक हाई पर्सनैलिटी होगी। इसको ब्राह्मण अगर देखा जाए तो हम आजकल देखते हैं कि शास्त्रों का जिसको ज्ञान है वो हायर पर्सनैलिटी होगी, लेकिन जो रियल ब्राह्मण होते हैं उनके अंदर कैरेक्टर होता है, उनके अंदर तहजीब होती है, उठने बैठने खाने पीने की हर चीज़ की, और वो सिर्फ शास्त्रवादी नहीं होते, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार जीते हैं। मतलब कि जिनके पास में सिर्फ रटे रटाई चीज़ें नहीं होती हैं बोलने के लिए, लेकिन वो उस तरीके से रहते हैं, जीते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बहुत रॉयल तरीके से। अगर आप किसी को मिलते हैं जो कि अपने को ब्राह्मण कहे, तो वो रॉयल्टी को चेक करिएगा, तब आपको पता लगे वो रॉयल हैं कि नहीं है। एनीवेज, तो नेक्स्ट परमात्मा कहते हैं ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ। अब धर्म मतलब यहाँ पर सिर्फ जनेऊ पहन लेना या वस्त्र पहनना, गेरुआ वस्त्र पहनने से आप ब्राह्मण नहीं बन जाते, या मुंडन करने से आप ब्राह्मण नहीं बन जाते हैं, या टीका लगाने से आप ब्राह्मण नहीं बन जाते हैं। गोत्र के भी ब्राह्मण होते हैं वैसे, लेकिन परमात्मा यहाँ पे कह रहे हैं कि जन्म भी श्रेष्ठ और धर्म भी श्रेष्ठ। तो परमात्मा के अनुसार धर्म की बात हुई, जो कि शांति फैलाए व्यक्ति, जो कि खुशी से बात करे, प्रेम से बात करे, आनंद से बात करे, सही है गलत है, गलत है ठीक है, वो भी बोले, सभ्यता से बोले और समझ करके हर कार्य करे, तो वो हो गया ब्राह्मण हो गया। उसके अंदर धर्म है, उसके
अंदर धारणाएं हैं धर्म की, और धर्म क्या करता है, धर्म शांति फैलाता है, खुशी फैलाता है, प्रेम फैलाता है। तो ये धारणाएं उनके अंदर कि वो जो भी कर्म करते हैं उससे लोगों को खुशी और शांति मिले। हाँ, और सच्ची खुशी शांति की बात हो रही है यहाँ पर। फिर परमात्मा कहते हैं कर्म भी श्रेष्ठ हैं उनके, इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। कि ये अगर याद रहे कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं ब्रह्मा का बच्चा हूँ, मैं एक एडम की रचना हूँ, मुझे परमात्मा के जो गुण हैं, अनंत गुण हैं, उनको फॉलो करना है ताकि मेरे जीवन में सुख शांति आए। मेरे जीवन में उनको फॉलो करके, उनको हम कोई फॉलो करने से उनको कोई फ़ायदा तो होने नहीं वाला, लेकिन फ़ायदा हमको खुद ही होता है। और वो जो रॉयल बिहेवियर, जैसे हमने बात करी कि स्टार्टिंग में, कि आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आप जैसे बिहेव करते हो, जैसे बात करते हो, लोग चाहे आपके ऊपर चिल्लाए भी लेकिन आप भी चुपचाप आराम से वहाँ से आप हट जाते हो, या आप उस बात को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देते हो जो भी चीज़ आपको ठीक लगे। तो परमात्मा कहते हैं कि ये हो गया ब्राह्मण तरीके से चलने का, रॉयल तरीका। ये अगर हमें याद रहे तो हम हर कर्म अच्छे करेंगे, हर बोल, हर सोच हमारी अच्छी होगी। फिर लास्ट में परमात्मा कहते हैं विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म कर नहीं सकती। वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करना, नॉर्मल लोगों की तरह हंसी हंसी करना, नॉर्मल लोगों की तरह वो चाल चलन करना, मतलब इसमें ये नहीं कि आप अपटाइट हो जाएं बिल्कुल, आप बहुत ही कठोर टाइप के बन जाइए। उस रॉयल्टी को आप कठोरता से मत समझिएगा, कठोरता से मत कंपेयर करिएगा। रॉयल्टी कठोरता की बात नहीं है, उसमें हंसी मजाक भी चलता है आपका, आप खुश भी रहते हैं, लेकिन रॉयल्टी का मतलब है कि हाँ, किसी के बारे में कोई गलत सुना रहा हो, गलत फैला रहा हो, तो उस चीज़ को नहीं सुनना, उधर से दूर हो जाना। क्योंकि रॉयल लोगों की पोशाक भी साफ़ रहती है ना, तो पोशाक सिर्फ साफ़ नहीं रहनी चाहिए, मन भी साफ़ रहना चाहिए हमारा। तो हमारी मन साफ, बिल्कुल सेट, क्लीन, क्लियर, ये एक रॉयल बिहेवियर, बिकॉज प्योरिटी इज़ रॉयल्टी, पवित्रता से ही रॉयल्टी आती है। अच्छा, इसके बारे में और चीज़ अगर आपको जाननी है, क्योंकि रॉयल बिहेवियर कैसा होता है और हम रॉयल कैसे बने, उसके लिए आपको ब्रह्म कुमारी में कोर्स कराया जाता है एंड मेडिटेशन सिखाई जाती है, ताकि आपके अंदर परमात्मा के गुण आए और आप स्वयं ऑटोमेटिकली रॉयल बन जाओ और आपको रिस्पेक्ट लें। तो जो रिस्पेक्ट जो आपको मिलनी चाहिए ना, लोग आपको वो दें, रिस्पेक्ट नेचुरली दें, आपको मांगना ना पड़े। इसी के साथ ओम शांति।